हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ विशाल जोगी दास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायाफ्राम, बेलोव्स एंड बर्डन ट्यूब फॉर प्रेशर मेजरमेंट। एंड दिस ट्रांसड्यूसर्स आर कवर्ड इन द प्रेशर मेजरमेंट, इन इंडस्ट्रियल प्रेशर मेजरमेंट। एंड दिस टॉपिक इज कवर्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। Now, first of all, we have to define absolute and gauge pressures. What is absolute pressure? Pressure measurements can be stated either gauge or absolute. Gauge pressure is the unit we encounter in everyday work. It means gauge pressure is we are generally using in our everyday work. For example, tire ratings are in gauge pressure. Okay, now a gauge pressure device will indicate zero pressure when bled down to atmospheric pressure. It means if the gauge pressure is down to atmospheric pressure, then it is considered as zero. Gauge pressure is in reference to atmospheric pressure. It means that pressure above atmospheric pressure. यानी कि जो गेज प्रेशर है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एबो का प्रेशर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर इज डिनोटेड बाय जी एट द एंड ऑफ द प्रेशर यूनिट। इट मींस फॉर एग्जांपल किलो पास्कल एंड देन इन द ब्रैकेट जी, इट मींस इट इज डिनोटेड गेज प्रेशर। सो दिस वे वी कैन डिनोट द गेज प्रेशर। Now, absolute pressure. Absolute pressure includes the effect of atmospheric pressure with the gauge pressure. It is denoted by small a at the end of the pressure unit. For example, kilopascal and then in the bracket a. It means it is denoted as atmospheric pressure. An absolute pressure indicator would indicate atmospheric pressure when completely bled down. It would not indicate scale zero. It means the lower range of absolute pressure is atmospheric pressure, so its value will not be zero. The relationship between absolute pressure and gauge pressure is absolute pressure is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure. तो ये क्या है कि मैथमेटिकल रिलेशन है एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर के बीच में। तो इस तरह से हम लोग ये एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स। प्रेशर सेंसर्स आइदर कन्वर्ट द प्रेशर इनटू मैकेनिकल मूवमेंट और इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट। देखिए, दो टाइप के प्रेशर होते हैं। अगर प्राइमरी दो टाइप के प्रेशर ट्रांसड्यूसर होते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है तो उसमें क्या होगा, प्रेशर का कन्वर्जन मूवमेंट में यानी कि डिफ्लेक्शन होगा, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह से जो ट्रांसड्यूसर है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। और दूसरा जो ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या करेगा, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। तो इस तरह से प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। कंप्लीट गेजेस not only sense the pressure but indicate them on the dial or scale. यानी कि क्या है, जो प्रेशर गेज होता है वो क्या करता है, सिर्फ सेंस नहीं करता है प्रेशर को, उसे इंडिकेट भी करता है। पॉइंटर और डायल का अगर अरेंजमेंट हमने किया है तो उसमें ये दिखाएगा कि कितना प्रेशर है, सिर्फ सेंस नहीं करेगा। मैकेनिकल मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन ये कि जो प्रेशर के अकॉर्डिंगली मैकेनिकल मूवमेंट कैसे मिलेगी, मैकेनिकल डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग ये यहाँ पे दिए गए ये सब डिवाइसेस यूज़ करते हैं। पहला है बर्डन ट्यूब, उसके बाद स्प्रिंग एंड पिस्टन, बेलोव्स एंड कैप्सूल्स एंड डायाफ्राम। तो इस तरह के मैकेनिकल डिवाइसेस को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर का मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्जन कर सकते हैं।
अब प्रेशर मेजरमेंट का बेसिक देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से। एंड इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू फ्लूइड्स। दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर गेज प्रेशर। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट की बात है, वो गेज प्रेशर मेजर करने के लिए ही यूज़ करते हैं। प्रेशर इज़ द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया और विच द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है तो प्रेशर कैसे होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगता है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा और ये पर यूनिट एरिया यानी कि जो भी एरिया है वो भी हमें कंसिडर करना होगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रेशर है। तो इस तरह से ये डिफाइन होता है। व्हाट इज़ गेज प्रेशर? सी द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज गेज प्रेशर। हमने पिछले स्लाइड में देख लिया ऑलरेडी, वही यहाँ पे दिया गया है। ऐसे यूनिट इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये प्रेशर का ऐसा यूनिट है। नाउ अब बात करते हैं डायफ्राम प्रेशर गेज। डायफ्राम इज ए इलास्टिक मटेरियल विच डिस्प्लेसेस व्हेन इट इज अप्लाइड टू प्रेशर। यानी कि जब भी डायफ्राम में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि मैकेनिकल मूवमेंट हमें मिलेगी। और ये इलास्टिक मटेरियल है यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ऐसा एलिमेंट होता है। द डायफ्राम प्रेशर गेज यूजेस द इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए डायफ्राम, इट मीन्स मेम्ब्रेन, इंस्टेड ऑफ ए लिक्विड लेवल टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन एन अननोन प्रेशर एंड ए रेफरेंस प्रेशर। देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड लेवल का यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अननोन प्रेशर और रेफरेंस प्रेशर को कंपेयर करके हम लोग प्रेशर मेज़र करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये इलास्टिक एलिमेंट होता है और उसके ऊपर प्रेशर आता है तो क्या होता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर बोलते हैं डिफॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रेशर को मेज़र करते हैं। देखिए ये टाइपिकल एक प्रेशर गेज दिया गया है, इसको यहाँ से देखिए ये यहाँ पे हम लोग माउंट कर देते हैं जो जिसका भी प्रेशर मेज़र करना है। और ये जो हम लोग यहाँ पे पॉइंटर देख सकते हैं इससे ये मेज़र करेगा प्रेशर। कैसे मेज़र करता है वो भी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है कि कैसे डायफ्राम जो है वो वर्क करता है। देखिए यहाँ पे एक रेफरेंस प्रेशर है और ये एक्सटर्नल प्रेशर है, तो प्रेशर आएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रेशर हम लोग देते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया तो ये जो यहाँ पे हम W देख रहे हैं उसमें चेंज हो गया, यानी कि क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो प्रेशर का कन्वर्जन किस में हो गया, डिस्प्लेसमेंट में हो गया, यानी कि ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। अब डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये प्राइमरी सेंसर एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वर्क करेगा। ये डिफरेंट डिज़ाइन भी यहाँ पे दी गई है, देखिए ये भी है और इसमें भी यही है कि कैसे हम लोग देखिए यहाँ पे LVDT का भी यूज़ किया गया है। LVDT किस लिए यूज़ किया गया है, डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह से डायफ्राम में प्रेशर मेजर कर सकते हैं। टाइपिकल डायफ्राम प्रेशर गेज कंटेंस इन कैप्सूल डिवाइडेड बाय डायफ्राम एज शोन इन द स्कीमेटिक। ठीक है, तो इसमें कैप्सूल्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट। वन साइड ऑफ द डायफ्राम इज ओपन टू द एक्सटर्नल टारगेटेड प्रेशर, यानी कि डायफ्राम का एक जो एंड होता है वो ओपन रहता है एंड द अदर साइड इज़ कनेक्टेड टू नॉन प्रेशर, दूसरा जो साइड होता है वो कुछ नॉन प्रेशर से जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं पी रेफरेंस।
The pressure difference P external minus P reference mechanically deflects the diagram. यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस होगा एक्सटर्नल प्रेशर माइनस रेफरेंस प्रेशर का, उसके हिसाब से ये मैकेनिकली डिफ्लेक्ट होगा और उसके प्रोपोर्शनल में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ये मेज़र करते हैं। द मेम्ब्रेन्स डिफ्लेक्शन कैन बी मेजर्ड इन एनी नंबर ऑफ वेज। अब देखिए, जो डिफ्लेक्शन होता है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग के पास काफ़ी ट्रांसड्यूसर है। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में कि कितने सारे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी डिटेक्टेड वाया मैकेनिकली कपल्ड इंडिकेटिंग नीडल एंड अटैच्ड स्ट्रेन गेज। ठीक है, जो एक तो ये इंडिकेटिंग नीडल से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद स्ट्रेन गेज अटैच करके भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद LVDT यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करके भी हम लोग ये मेज़र कर सकते हैं, और विथ मेनी अदर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सेंसर। और भी कई सारे सेंसर है, उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वंस नोन द डिफ्लेक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू ए प्रेशर लोडिंग यूजिंग प्लेट थियरी। देखिए, एक बार हमें डिफ्लेक्शन को पता चल जाता है तो उसके बाद उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर लोडिंग में यूजिंग प्लेट थियरी। ये प्लेट थियरी का यूज़ करके हम लोग इसमें प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज, मच फास्टर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देन यूट्यूब्स। देखिए, यूट्यूब जो है वो भी एक प्रेशर मेजर करने के लिए ही यूज़ होता है। उसमें लिक्विड रहता है और वो लिक्विड लेवल के आधार पे हम लोग मेज़र करते हैं। गुड फॉर लो प्रेशर, यानी कि जो लो प्रेशर के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। हायर ओवर प्रेशर सेफ्टी, ओवर प्रेशर में भी सेफ्टी ज़्यादा रहती है। यूज्ड टू मेज़र गेज एटमॉस्फेरिक एंड डिफरेंशियल प्रेशर, यानी कि ये हमने जो डिफाइन किए थे तीनों प्रेशर मेज़र करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसका डिसएडवांटेज क्या है। मोर एक्सपेंसिव देन अदर प्रेशर सेंसर्स, अदर जो भी सेंसर्स है उससे एक्सपेंसिव ज़्यादा है, तो इसको हम लोग डिसएडवांटेज मान सकते हैं। अब बात करते हैं बेलोज की। देखिए, डायाफ्राम और बेलोज ये दोनों प्रेशर ट्रांसड्यूसर ही है। इसका हम लोग एनिमेशन भी देखेंगे बाद में, लेकिन अभी थियरी देख लेते हैं। बेलोज प्रेशर गेज, ठीक है, बेलोस क्या है? देखिए, ये बीच में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, बेलोस है। ठीक है, इसके बीच में स्प्रिंग है यहाँ पे, वो भी हम लोग देख सकते हैं, और ये प्रेशर कनेक्शन है यहाँ पे, और कनेक्टिंग लिंक, यहाँ से प्रेशर होगा तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन का यूज़ हमने किया है यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा तो ये इसका जो पॉइंटर जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, तो पॉइंटर जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन करेगा। तो इस तरह से बेलोस का यूज़ होता है, यानी कि जो बेलोस जो है वो प्राइमरी, एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक ए डायाफ्राम, बेलोस आर ऑल्सो यूज फॉर प्रेशर मेजरमेंट एंड कैन बी मेड ऑफ कैस्केडेड कैप्सूल्स, यानी कि कुछ कैप्सूल्स को हम लोग कैस्केडेड कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेलोज मिलेगा। बेसिक वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, द बेसिक वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेलोज इज़ बाय फास्टनिंग टुगेदर मेनी इंडिविजुअल डायफ्राम्स, यानी कि बेलोज को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करते हैं, मेनी डायफ्राम्स का यूज़ करके हम लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये कैस्केडेड कनेक्शन में रहता है, यानी कि सीरीज में रहता है। द बेलोज एलिमेंट बेसिकली इज़ ए वन पीस एक्सपेंसिबल कलेप्सिबल एंड एक्सियली फ्लेक्सिबल मेंबर। देखिए, ये क्या है, बेलोज एलिमेंट है क्या, ये एक्सपेंसिबल है, कलेप्सिबल है एंड एक्सियली फ्लेक्सिबल मेंबर है, तो इसका हम लोग मेजर प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज
The commonly used bellows elements are by turning from a solid stock of metal. देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, टर्निंग फ्रॉम ए सॉलिड स्टॉक ऑफ मेटल, यानी कि सॉलिड मेटल में से टर्निंग करके इसको बनाया जा सकता है। उसके बाद बाय सोल्डरिंग और वेल्डिंग स्टैम्प्ड अंडर एन्यूलर रिंग्स, तो इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वेल्डिंग और सोल्डरिंग का। उसके बाद रोलिंग ए ट्यूब, देन बाय हाइड्रोलिकली फॉर्मिंग ए ड्रोन ट्यूबिंग। तो ये कुछ टेक्निक्स है मैकेनिकल्स की कि इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर सिलेक्टिंग ए स्पेसिफिक मटेरियल फॉर एन इलास्टिक मेंबर लाइक बेलोज द पैरामीटर्स टू बी चेक्ड आर, देखिए हमें सिलेक्ट करने के लिए कौन सा बेलोज सिलेक्ट करना है, डायफ्राम सिलेक्ट करना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए कुछ यहाँ पे चेकलिस्ट दिया गया है। क्या क्या है, फर्स्ट हमें देखना है रेंज ऑफ प्रेशर, उसके बाद हिस्टरेसिस, उसके बाद आता है फटीग ऑन डायनेमिक ऑपरेशन, उसके बाद कोरोजन, देन फैब्रिकेशन इज एंड सेंसिटिविटी टू फ्लक्चुएटिंग प्रेशर्स। तो ये सब चेकलिस्ट है, यानी कि ये सब पैरामीटर हमें ध्यान में रखने होंगे जब हम लोग बात करेंगे कुछ सिलेक्शन की, यानी कि कौन सा मेंबर हमें यूज़ करना है, बेलोज यूज़ करना है, बर्डन ट्यूब यूज़ करनी है या फिर डायफ्राम। देखिए इसका वर्किंग कैसे होता है, यहाँ से मान लीजिए प्रेशर आता है तो ये इसका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वो डिफ्लेक्शन कहाँ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और ये डिफ्लेक्शन की वजह से ये जो है ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो भी प्रेशर होगा उसकी तरफ ये डिफ्लेक्शन होगा। देखिए इसका हम लोग देखेंगे बाद में कि कैसे ये एनिमेटेड। देखिए अब हम बात करते हैं बेलोस का एनिमेशन की, देखिए कैसे ये इस तरह से यहाँ से प्रेशर आता रहता है, और ये देखिए यहाँ से प्रेशर आता है, ठीक है, और ये बेलोस जो है वो स्प्रिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, तो किस तरह से ये मैकेनिकल लिंक की गई है यहाँ से पॉइंटर के साथ, और पॉइंटर जो यहाँ से डिफ्लेक्शन इस तरह से आएगा तो इसके हिसाब से पॉइंटर जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। तो ये बेसिक एनिमेशन है बेलोस का, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैप्सूल का यूज़ करके ये बेलोस बनाया गया है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे बेलोस जो है वो एक्चुअल में वर्क करता है। द एक्शन ऑफ बेंडिंग एंड टेंशन ऑपरेट्स द इलास्टिक मेंबर्स, यानी कि ये बेंडिंग फोर्स है या फिर टेंशन फोर्स है उसके हिसाब से इलास्टिक मेंबर जो है वो ऑपरेट होगा। फॉर प्रॉपर वर्किंग द टेंशन शुड बी लास्ट एज द इनलेट प्रेशर टू द इंस्ट्रूमेंट वेरीज द बेलोस विल एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्रॉपर वर्किंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि टेंशन कम रहना चाहिए और इनलेट प्रेशर जो है वो वेरी होता है, तो इसका हमें अरेंजमेंट करना होगा। द मूविंग एंड ऑफ द बेलोज इज कनेक्टेड टू ए मैकेनिकल लिंकेज असेंबली, यानी कि जो बेलोज का एक एंड होता है वो कनेक्टेड होता है पॉइंटर या फिर हमें जो भी मेजर करना है वहाँ पे, और दूसरा एंड होता है वो ओपन होता है, तो मूविंग एंड जो है उसे कनेक्ट करना है मैकेनिकल लिंकेज असेंबली से, यानी कि फॉर एग्जांपल पॉइंटर से कनेक्ट करते हैं या फिर कोई और अरेंजमेंट हमने कर रखा है तो वहाँ पे यूज़ करना होगा। एज द बेलोज एंड लिंकेज असेंबली मूव्स आइदर एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज जनरेटेड और ए डायरेक्ट प्रेशर इंडिकेशन इज प्रोवाइडेड। देखिए दो तरह से हम लोग इसका रीडिंग ले सकते हैं। एक मेथड ये है कि डायरेक्ट प्रेशर जो है वो पॉइंटर से इंडिकेट करेगा, ठीक है, इस तरह से पॉइंटर होगा वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ओके हमें ये दिखाएगा रीडिंग। और दूसरी मेथड जो है वो क्या है कि
डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें देगा जनरेट करके, तो ये भी हो सकता है, दोनों तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेलोज प्रेशर गेज दिखाए गए हैं किस तरह से ये वर्क करता है। देखिए कंप्रेस्ड टाइप का है, यहाँ पे यहाँ से ये प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेलोज है ठीक है, और बेलोज में डिफ्लेक्शन आएगा और डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऊपर पॉइंटर कनेक्ट किया हुआ है तो पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि पॉइंटर हमें जो डायरेक्टली जो प्रेशर जो है वो इसका रीडिंग दिखाएगा। तो ये बेसिक थियरी है, इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये बेलोज का यूज़ करके हम लोग प्रेशर जो है वो मेज़र कर सकते हैं। देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये कंप्रेस्ड टाइप है और दूसरा है एक्सटेंडेड टाइप्स, तो इसमें कुछ ये अरेंजमेंट अलग तरीके से होता है, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल जो है वो वही रहेगा, यहाँ से प्रेशर देंगे और यहाँ से हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। उसके बाद स्प्रिंग ओपोज्ड बेलोज भी होते हैं, देखिए यहाँ पे स्प्रिंग रखते हैं, यहाँ पे प्रेशर रखेंगे तो प्रेशर आएगा, तो इस तरह से स्प्रिंग का प्रेशर नोन होगा और ये अननोन प्रेशर होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि कैसे ये प्रेशर जो है वो कितना है। तो ये कुछ बेसिक्स टाइप्स है बेलोज के लिए। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ मेटालिक बेलोज इज सिमिलर इन कैरेक्टर टू दैट ऑफ ए हेलिकल कोइल्ड कंप्रेशन स्प्रिंग अप टू द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बेलोज। द रिलेशन बिटवीन इंक्रीमेंट्स ऑफ लोड एंड डिफ्लेक्शन इज लीनियर। देखिए ये क्या बात कर रहे हैं कि जो रिलेशन होता है लोड में इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है और उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन होता रहता है, तो वो लोड में इंक्रीज डिक्रीमेंट और उसका डिफ्लेक्शन का जो है वो लीनियर रिलेशनशिप रहता है। हाउएवर दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट ओनली व्हेन द बेलोज इज अंडर कंप्रेशन, यानी कि ये रिलेशनशिप कब तक एग्जिस्ट करेगा यानी कि रहेगा, तो ये बेलोज जो है अंडर कंप्रेशन में होगा तो ही ये रिलेशनशिप सही रहेगी। इट इज़ नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट द बेलोज सच दैट ऑल ऑफ द ट्रैवल अकर्स ऑन द कंप्रेशन साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बेलोज को। सो देखिए रिलेशनशिप लीनियर रहेगी तो वो बहुत बढ़िया रहेगा ठीक है, तो इसलिए लीनियर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी ट्रैवल करेगा वो कंप्रेशन साइड में ही वो, इसलिए इसकी रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन हम लोग रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर इन प्रैक्टिस द बेलोज मस्ट ऑलवेज बी ओपोज्ड बाई स्प्रिंग एंड द डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी द रिजल्टिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग एंड बेलोज। यानी कि ये लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, बेलोज जो है वो स्प्रिंग से ओपोज करते हैं, इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लीनियर रहती है। तो इस तरह से हम लोग ये बेलोज का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।